चीनी मिल के 9 करोड़ रुपए कोर्ट में डिपॉजिट थे, वो ब्याज मिला के 15 करोड़ 75 लाख रुपए गंगापुर कारखाने को मिलने वाले थे। वो 15 करोड़ 75 लाख का गमन करने के हेतु से उन्होंने वैजापुर मर्चेंट बैंक में, जहां शुगर फैक्ट्री का कोई संबंध नहीं, वहां पे झूठे दस्तावेज बना के अकाउंट ओपन किया। उसके बाद ये 15 करोड़ 75 लाख रुपए उस अकाउंट में जमा किए और उस अकाउंट में से उनके नज़दीक के जो लोग हैं, जिसमें से 2 ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, 1 उनका PA है और 2-3 लोग उनके रिश्तेदार हैं, उनके अकाउंट पे ये पैसा डाला गया। वो अकाउंट से डालने के बाद उसमें जब तकरार हुई तो वो उसको कुछ और बनाव करके कुछ लोगों के नाम पे वो पैसे भेजे गए और वो पैसे को वहाँ से कैश विड्रॉ किया गया। ये पूरा पैसा गबन करने के हेतु से उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। उसके लिए झूठे दस्तावेज बनाना और काफ़ी सारे गलत काम इस माध्यम से हुए। और सिर्फ ये 15 करोड़ का ही मसला नहीं है, इन्होंने काफ़ी सारे वित्तीय संस्था बैंक्स को यहाँ पे बहुत फंसाने का काम पिछले सालों में किया है। उनके खिलाफ़ काफ़ी सारे विधायक, कई सांसद वो ब्लैकमेलिंग करते हैं उनके मतदार संघ के अधिकारियों को और काफ़ी सारे लोगों को, ऐसी बहुत सारी तकरार है। तो ये वजह से ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है। आने वाले वक्त में आप और क्या प्रिकॉशन लेने वाले हैं या और क्या गुनाह कुछ दाखिल होंगे? अभी देखेंगे, अभी किस तरह ये तपास होता है उस हिसाब से जो जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी वो हम पुलिस के सामने लाने का काम करेंगे। इसमें अड़चने आई काफ़ी आपको गुनाह दाखिल कराने में? हाँ, काफ़ी अड़चने आई, बहुत उसका फॉलोअप लेना पड़ा, उसका काफ़ी सारा दबाव था। उन्होंने पुलिस पे प्रेशराइज करने का काम किया, जो FIR रजिस्टर होने वाली थी उसको नहीं होने दी, और मतलब पूरा पॉलिटिकल जो उनका ये है वो पूरा यूज़ करके उन्होंने ये कैसा रुकेगा FIR, ये पूरी पुरजोर कोशिश की थी।